हाय नमस्कार, दिस इज मुनीश शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इट इज फॉर द 10+2 फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग इज थ्री कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पाइकोफेरा आर कनेक्टेड इन सीरीज। So we have to calculate what is capacitance of the combination, and second part is what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। तो problem solving का शुरुआत करते हैं। solution हम इसका, तो what is it solution? So here we are having three capacitors and they are such that each having same capacity। तो इनका जो capacitance मान तो लिया हमने अलग अलग, let it is C1, C2, C3 और ये कॉमन वैल्यू है तो इसलिए इसको सी वैल्यू बोल देते हैं। और ये सी वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 9 पाइको फेराड। एज वी नो पाइको मीन्स 10^-12। तो इतने फेराड ये हमारा ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब क्योंकि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दिए हैं कैपेसिटर तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर मान लेते हैं CEQ है पूरे कॉम्बिनेशन का। तो हमें फार्मूला पता है उसका, इट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्योंकि सीरीज में है ना इसलिए ये वैल्यू आता है। नाउ इनका वैल्यू सेम है तो इनका वैल्यू हम सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/C + 1/C + 1/C, अभी थ्री टाइम आ रहा है 1/C, तो इसको 3 × C/1/C लिख देते हैं जो कि बन जाएगा 3/C। तो 1/C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 3/C। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें सी इक्विवेलेंट का, तो यदि 1/C इक्विवेलेंट को आप लिख दें सी इक्विवेलेंट, तो ये बन जाएगा C/3। सिंस कैपेसिटेंस ऑफ वन कैपेसिटर दैट इज सी, इट इज इक्वल टू 9 पाइको फेराड। सो व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट इज 9 × दिस इज डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 9 / 3 इट इज इक्वल टू 3 × 10^-12 फेराड। तो दिस इज अवर आंसर। सो अवर वैल्यू इज, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर कि व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस। तो बहुत आसानी से सीधा फार्मूला था, सिंपली हमने पुट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा अगर दे आर कनेक्टेड विद द पोटेंशियल सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, पोटेंशियल 120 वोल्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चे कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सपोज वी आर हैविंग थ्री कैपेसिटर्स, मैं थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं इसका। तो जब हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, ये है दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। अब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ना बेटा, टोटल पोटेंशियल अगर वी है सपोज, तो इनके जो कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हर एक के कैपेसिटेंस के हिसाब से पोटेंशियल होगा। पहले पे V1 है, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3 है। तो टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय V = V1 + V2 + V3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब इसमें हम ऐसा करते हैं, हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं और हमें पता है कि दिस V1 + V2 + V3, क्योंकि टोटल पोटेंशियल 120 है ना, तो इट इज 120, तो 120 वोल्ट के बराबर है। अच्छा, अगर आप इसमें V का फार्मूला डाल देना, V का फार्मूला इन जनरल क्या होता है बच्चे, V = Q/C, Q = CV होता है ना, तो वहां से फार्मूला बन जाता है V = Q/C। तो अब जैसे V1 है तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, अब सीरीज में है तो इनके ऊपर चार्ज सेम होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, ये तो हमें चाहिए ही, तो यही याद रखना होता है हमें। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल है इट इज Q/C1, सेकेंड के लिए हो गया Q/C2 एंड थर्ड वन के लिए हो गया Q/C3। सो दिस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। Now, इसमें हम ऐसा करते हैं सॉल्व करने के लिए, हम इस कॉम्बिनेशन में से ना Q कॉमन निकाल देते हैं वैल्यू को,
So by taking q common, what we will get? We will get 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3. So this is equal to 1 by 20. अब अभी अपने निकाला 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, ये बेटा कॉमन है, c1 c2 c3 सेम वैल्यू है, तो अगर आप इसको लिखेंगे ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं q is equal to, जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में किया, it is 3 by c, it is equal to 120 volt, क्योंकि c1 भी c है, c2 भी c है, c3 भी c है, तो 1 by c को 3 टाइम प्लस किया तो 3 by c बन गया, हमने पिछले पार्ट में अभी किया, तो मैं समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम अभी पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 3q by c, it is equal to 120, तो यहां से हम q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो व्हाट इज q, q is equal to 120 by 3 into c, बट c भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, C भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, इट इज 3 पाइको फेराड, जैसा हमें पता है कि जो हम ये C कैपेसिटेंस का वैल्यू है, ये हमारे पास है जो कि ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो इट इज 120 by 340 बन गया, और C का वैल्यू हमने साथ में रिप्लेस कर दिया जो कि है 9 पाइको फेराड, क्योंकि ईच कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस 9 पाइको फेराड, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो और ये बन जाएगा 360 into 10 raise to power minus 12 फेराड, अब इसको जरा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6 into 10 raise to power माइनस 10 फेराड, क्योंकि हमने पॉइंट को चेंज किया ना दो टू पोजीशन, तो ये प्लस 2 बन जाएगा, तो प्लस माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 के बराबर होगा, तो ये बन गया 3.6 इनटू 10 इस पावर माइनस 10, यहां पे थोड़ा मैंने गलती से लिख दिया था सी फेराड, क्योंकि ये कूलम में है चार्ज, तो इट इज इन द कूलम. Now we will talk about the potential difference across each capacitor. Now potential difference across each capacitor. अब आपने हर एक पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है हर एक का, क्योंकि चार्ज भी सेम है और पोटेंशियल कैपेसिटेंस का वैल्यू सी है हर एक कैपेसिटर का, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q अपॉन सी. तो Q का वैल्यू अभी हमने लिखा, इट इज 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय इट इज 9 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमारा पहले कॉम्बिनेशन में था, 360 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12, बट ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा और 9 से डिवाइड करने पे हमें बचेगा 40, तो 40 वोल्ट जो है हमारा आंसर है, तो दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, पहला आंसर जो है व्हाट इज 3 पाइको फेराड एंड सेकंड आंसर इज 40 वोल्ट. सो व्हाट टुडेस सेकंड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपका बेटा एनसीईआरटी बुक से प्रॉब्लम नंबर 2.7 सेकंड चैप्टर से लिया गया है, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज से लिया गया है, तो इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन थ्री कैपेसिटर of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad connected in parallel. So what is the total capacitance of combination? Number second part, that is B part, determine the charge on each capacitor if combination is connected to a 100 volt supply. So is question ko solve karne ke liye, so we are given, jo we are given ko likh lete hain, to here what we are given, so here we are having three capacitor again beta, so pehle ka capacitance c 2 pico farad, second one c2 it is 3 pico farad, and third one c3 it is again 4 pico farad. Now they are connected in parallel, तो जब भी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ना, अभी फार्मूला पढ़ा है हमने, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें प्लस करके आता है, सिंपली हम उसको ऐड कर देते हैं, तो बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 2 पाइको फेराड प्लस 3 पाइको फेराड प्लस
4 picofarad. Now adding these values, what we will get? It is 7 plus 2, 9 picofarad. So these are the, this is the equivalent value. So ye to hamara hai pehla answer. Ki 9 picofarad is total capacitance. Now in the second part of this question, we have to calculate the charge across each capacitor. तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर को कैलकुलेट करने के लिए हमें चार्ज का फार्मूला यूज करना पड़ेगा. उसके लिए वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, यह फार्मूला पता है हमें, वो हम बताने वाले हैं. क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी. तो इस फार्मूले का यूज करते हैं. तो इस फार्मूले का यूज हम हर एक कैपेसिटर के लिए करेंगे. तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए सपोज चार्ज है क्यू वन, तो Q1 किसके बराबर आएगा? उसका कैपेसिटेंस C1. और क्योंकि जब भी पैरेलल में जुड़े होंगे कैपेसिटर, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो जब भी कैपेसिटर जो हैं, अगर वो पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, वो हमेशा सेम होगा. तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर जुड़े हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज कैपेसिटर, इट इज सेम, लेट इट इज वी वोल्ट. तो यहाँ पे क्यू वन सी वन V, तो जैसे आपने हमें पता है ना, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस है 2 पाइको फेराड, दैट इज पाइको मींस 10 टेस टू पावर माइनस 12 इनटू वोल्ट. अब कितना वोल्ट का कैपेसिटर, 100 वोल्ट की सप्लाई है, तो हमें यहां पता है कि हर एक के अक्रॉस सेम होता है, तो 100 भी, तो ये बन जाएगा इतनी कूलम. तो ये बन गया 2 इंटू 10 टेस टू पावर माइनस 10 कूलम. तो बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज. और इसी तरीके से हम सेकंड कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फॉर सेकंड कैपेसिटर Q2, तो व्हाट इज Q2? अगेन बेटा फार्मूला C2 इनटू V. व्हाट इज C2? T2 इनटू 10 इज टू पावर माइनस 12 इनटू 100 वोल्ट. सॉरी, Q2 C2 का जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में वो है 3. मैं 3 कर देता हूं इसको, तो इट इज 3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10. बेटा इसका पावर 2 है ना, 10 इज टू पावर 100 का मतलब है 10 इज टू पावर 2. सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2, तो माइनस 12 प्लस 2 पावर बेटा माइनस 10. इट इज दिस अमाउंट ऑफ कूलम चार्ज. एंड Q3 भी निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज Q3? अगेन वह भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, C3 इंटू V. तो C3 का वैल्यू जैसे हमें पता है बेटा, दैट इज 4, तो 4 पाइको फेराड, पाइको का वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज माइनस 12 इंटू वोल्टेज 100. तो सॉल्विंग इट, 4 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 कूलम, क्योंकि चार्ज जो है SI सिस्टम है ना, सभी सिस्टम तो ये भी SI सिस्टम में आएगा. 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम. तो हियर वी हैव कैलकुलेटेड अवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड एज वेल एज चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो आई होप आपको ये बिल्कुल पता लग गया होगा. तो ये तो था आज का लेक्चर. और मेरे पुराने लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स, इफ यू वांट टू सी दोज वीडियोस, देन डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Physics by Munish Sharma. You can reach to my video easily by searching for Physics by Munish Sharma. Thanks for watching.